गरीब का ट्रेन जर्नी। एक रेलवे स्टेशन में जब ट्रेन जा रही थी तो सूटकेस पकड़कर एक मोटा आदमी जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ा। वो फिर सीट पर बैठकर चैन की सांस ले रहा था। वो दिखने में तो अमीर लग रहा था। थोड़ी सांस लेने के बाद वो इधर उधर देखकर, ये क्या, ये जनरल कंपार्टमेंट है, कहकर चिढ़ते हुए अपना मुंह बनाया। उसके सामने बैठा एक लड़का, अरे ये क्या, बिना देखे कैसे चढ़ गए सर? सब मेरी किस्मत है, फर्स्ट क्लास में चढ़ने वाला मैं, ट्रेन निकलने वाली थी इसलिए जल्दबाजी में इसमें चढ़ गया। जाने दीजिए, अब एक घंटे में कोई ना कोई स्टेशन आ ही जाएगा, तब उतर कर आपके कंपार्टमेंट में चले जाना। मैं एक घंटा इस कीचड़ में रहना होगा, मुझसे नहीं होगा, यूं चिढ़ने लगा वो लड़का हंसते हुए। सब भोगी में कनेक्टिविटी नहीं है सर, ये सेपरेट है। इतने में फटे हुए कपड़े पहनकर एक आदमी इस कंपार्टमेंट के शुरू से सबको एक पैम्पलेट देते हुए आ रहा था। फिर वो इनके पास आकर हाथ जोड़कर पैम्पलेट देकर चले गया। वो मोटा आदमी चिढ़ते हुए उस गंदे कागज को मोड़कर नीचे फेंक दिया। ये क्या है जी, ये नालायक कोई जगह छोड़ ही नहीं रहे हैं, हर जगह भीख मांग रहे हैं। हालत कभी कभार मांगने पर मजबूर कर देते हैं, हर इंसान की स्थिति अलग होती है, कहकर उसके हाथ में वो पैम्पलेट देखने लगा। इतने में दूसरे तरफ से वो गरीब आदमी पैम्पलेट फिर से लेते हुए उनके दिए कुछ पैसे लेकर लोगों का शुक्रिया नमस्कार करते हुए आ रहा था। आखिर इनके पास भी आया। पैम्पलेट पढ़कर लड़का जेब से पैसे निकालकर गिनते हुए अपने पास रखे 250 रुपए में से 50 निकालकर उसे दे दिया। वो देखकर उस मोटे आदमी को बहुत गुस्सा आया। क्यों जे, तुम जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे बेगर्स को एंकरेज करते हो? पहली बात तो उनके पास टिकट तक नहीं है, और इन्हें रेल में आने देना ही गलत बात है। आने के बाद दूर से ही चलते हुए गाड़ी से इन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। जब तक हाथ पैर नहीं टूटे इन रास्कल्स को अकल नहीं आएगी। वो फटे कपड़ों वाला इंसान सर झुकाकर खड़ा था। वो लड़का गुस्से में, इसके दिए पैम्पलेट को बिना पढ़े ही आपने फेंक दिया। वो मिस्त्री का काम करके जीवन गुजारता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई भी काम ना मिलने के कारण शहर के पास अपने गांव तक कुछ 100 किलोमीटर अपनी बीवी के साथ चलकर पहुंचा। उसकी वजह से इनकी बीवी की रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ गई, और जब हॉस्पिटल में दिखाए वे बोले कि ऑपरेशन तो करेंगे लेकिन दवाई इन्हें ही लेनी होगी। वो दवाई के लिए ही 10,000 लगने वाले हैं। हमारा क्या है, हम साल भर आराम से घर पर बैठकर अपने सेहत बचा सकते हैं। बेचारे इन जैसे लोगों के दुख को हम एक दिन भी सहन सकते हैं क्या? हम कुछ ना कुछ देकर इनकी मदद करनी चाहिए, ना कि ऐसे बातें करनी चाहिए। तो वो मोटा आदमी गुस्से से, क्यों देना चाहिए जी, जब हमें जरूरत हो तो वे लोग हमें देकर हमें बचाएंगे क्या? आप बिल्कुल बोले हो, ये सब फ्रॉड गैंग है जी, आप समझ ही नहीं रहे हो, यूं कह रहा था। कि तभी वहाँ टीसी आया। टिकट प्लीज। वो लड़का अपना टिकट दिखाया, फिर वो मोटा आदमी अपने जेब में हाथ डालते हुए, टीसी जी, ये बेगिंग नाम की चीज आप जैसे होशियार लोग कब बैन करोगे, कहकर जेब में पर्स ना होने के कारण दूसरे जेब में हाथ डालकर ढूंढने लगा। उस जेब में भी नहीं दिखने के कारण वो चौंक कर खड़ा हुआ और पैंट की जेब, शर्ट की जेब सब ढूंढने लगा। फिर वो भोली सी शक्ल लगाकर, सर चलती हुई ट्रेन में जल्दबाजी में बैठने के कारण वैलेट प्लेटफॉर्म पर गिर गया होगा सर, मेरा फर्स्ट क्लास टिकट है सर। ठीक है, कौन से गांव जाना है आपको? पटना सर। ठीक है फिर, 750 रुपए दीजिए, यूं कहकर टिकट लिखकर देने लगा रोते हुए शक्ल बनाकर। पर्स नहीं है, अभी तो कहा था ना जी, ऐसे मैंने बहुत देखे हैं, पहले पैसे निकालो। वो बात ही नहीं कर पाया और इधर उधर देखने लगा। ठीक है, आने वाले स्टेशन पर पुलिस वाले तुम्हें ले जाएंगे, 6 महीने जेल की सजा भी मिलेगी। सर मेरे पर्स में पैन कार्ड भी है, वो भी गया, पर्स के साथ साथ फोन भी गया। टीसी सर, ऐसे यूं बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ने वालों को ही दूर तक ले जाकर बाहर फेंक देना चाहिए, अभी इन्होंने ही कहा था ना, आप ये काम करोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। बाप रे, मुझे छोड़ दो, मुझे तो लग रहा है मार ही डालोगे, यूं चिल्ला रहा था वो पैम्पलेट पकड़ कर वहीं खड़ा वो गरीब। सर बेचारे को जाने दीजिए, कहकर जेब से पैसे निकालकर गिनकर कहा। सर मेरे पास 875 रुपए हैं सर, वो 750 रुपए मैं देता हूँ, 6 महीने जेल में रहा तो इसका परिवार बहुत दुखी हो जाएगा सर, पैसे ना हो तो वो दर्द का मुझे बहुत अंदाजा है सर। टीसी उससे पैसे लेकर उसके लिए टिकट लिखकर दे दिया। रोना रोक कर आश्चर्य से देख रहा उस मोटे आदमी को वो गरीब टिकट देते हुए, ये लो भाई आराम से पटना तक जाइए।
तब वो लड़का बोगी में मौजूद प्रयाणिकों से, वैसे अब सच में भिखारी कौन निकला? सब उस मोटे आदमी की ओर दिखाते हुए, वही भिखारी है। सारी औरतें मुंह को अपने साड़ी से छिपाकर हंसने लगे। वो रिच बेगर बिना सर उठाए ऐसे ही खड़ा रह गया था। गरीब बेटा वुडन साइकिल रेस। कई साल पहले एक गांव में गुंजन रॉकी नाम के दो मित्र हुआ करते थे। वे दोनों हमेशा एक ही स्कूल के एक ही बेंच पर बैठकर गाने सीखते थे, सुना करते थे। रॉकी बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ था और गुंजन गरीब घर का लड़का था। हमेशा स्कूल जाने के लिए पहले रॉकी गुंजन के घर साइकिल पर जाकर यूं साइकिल हॉर्न बजाता था। घर पर गुंजन, माँ मेरा फ्रेंड रॉकी आया है, यूं कहकर दोनों साइकिल पर चढ़कर स्कूल जाते थे। एक बार रॉकी के पिता, क्यों रे, कितने बार तुमसे कहा है वैसे गरीब लोगों के साथ ज्यादा मत घूमो, उनसे दोस्ती मत करो, हमारे जैसे रिच लोगों से दोस्ती करो रे, तुम्हारे व्यापार में आर्थिक मदद करने के लिए वे ही खड़े उतरेंगे। आप जो बोल रहे हो वो बिजनेस में काम आ जाएगा पिताजी, लेकिन हमारी तो दोस्ती है, वैसे कुछ नहीं होगा। बातें बहुत अच्छे कर लेते हो, मुझे ही पलट कर जवाब दोगे, कहकर एक जोर से दे मारा। रॉकी रोते हुए अंदर चले गया। उस दिन रॉकी स्कूल नहीं गया। गुंजन भी स्कूल में, रॉकी अब तक क्यों नहीं आया, सोचकर यूं इधर उधर देखने लगा। गुंजन, ये क्या यहाँ वहाँ देख रहे हो, गेट आउट ऑफ माय क्लास। सॉरी मैम, कहकर बाहर जाकर खड़ा हो गया। रॉकी आखिर तक स्कूल नहीं आया तो गुंजन स्कूल को बंक मारकर रॉकी के घर गया। रॉकी के घर पर गुंजन रॉकी के पिता से, अंकल मेरा नाम गुंजन है, मैं रॉकी का बेस्ट फ्रेंड हूँ, आज वो स्कूल क्यों नहीं आया? ओ, तुम भी हो वो रॉकी के दोस्त, क्यों रे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे से दोस्ती करते हो, वैसे तुम्हारे पास साइकिल कुछ नहीं है क्या, तुम्हारे माता पिता खरीद कर नहीं दिए? मेरे पास साइकिल होती तो मैं ही रॉकी को बिठा कर ले जाता। तेरा बैठकर क्या ले जाना रे, वो जो इस्तेमाल कर रहा है वो पता है कौन सी साइकिल है, वो एक रेसिंग साइकिल है, बहुत सारी रेस जीती हुई साइकिल है, वो साइकिल जो भी चला है उसकी जीत निश्चित है। नहीं नहीं, रेस जीतने के लिए बस साइकिलिस्ट की कैपेसिटी जरूरी होती है, जीत साइकिल के ऊपर निर्भर नहीं होती है। हाँ क्या, तो फिर ठीक है, आने वाले हफ्ते हमारे गांव में साइकिल की प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें पूरे स्कूल्स के कई टॉप स्कूल्स भाग लेंगे, तुम में अगर दम है तो वो साइकिल रेस को जीत कर दिखाओ। हाँ वैसे तुम साइकिल रेस कैसे जीतोगे, तुम्हारे पास तो साइकिल ही नहीं है ना, यूं हंसने लगा। ओके डन, मैं अपने खुद की साइकिल तैयार करके प्रतियोगिता में भाग लूंगा, अगर जीता तो हमारे दोस्ती के बीच आप कभी नहीं आओगे, ठीक है? इस तरह दोनों ये बात तय करने के बाद वो चले गया। गुंजन जो हुआ वो सब उसके पिता को बताया। शाबाश बेटा, हम गरीब जरूर हो सकते हैं लेकिन हम किसी के गुलाम नहीं है, हम भी उनकी तरह इंसान ही हैं। मैं तुम्हारे लिए एक वुडन साइकिल का इंतजाम करूंगा, वो सारे साइकिल से लाइट वेट होगा, तुम आसानी से चला लोगे, कहकर वो पूरी रात बहुत मेहनत करके एक अच्छी सी वुडन साइकिल को तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन वो यूं वुडन साइकिल पर आ रहा था तो सब खूब हंसने लगे, लेकिन गुंजन धैर्य बनाए रखा। प्रतियोगिता शुरू हुई, सब बहुत तेजी से आगे गए। गुंजन अपने वुडन साइकिल को बहुत तेजी से चलाने लगा। एक एक को हराते हुए वो जीता गया। रॉकी के पिता वो देखकर दंग रह गए थे। तब गुंजन के पास प्रेस वाले आकर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जीत पाने के लिए आपने बहुत मेहनत लगाई होगी, इस जीत के लिए कौन जिम्मेदार है? इस जीत के कारण है मेरे बेस्ट फ्रेंड के पिताजी, वो नहीं होते तो मैं रेस बिल्कुल नहीं जीतता था, और तो और ये रेस में भाग भी नहीं लेता था। तब सब लोग रॉकी के पिता की ओर देखकर तालियां बजाए। रॉकी के पिता शर्म के मारे सर झुकाकर अपनी गलती का एहसास किए। अगले दिन से रॉकी गुंजन हमेशा की तरह एक ही साइकिल पर स्कूल जाने लगे, एक ही बेंच पर बैठकर खुश रहते थे।